हमें चाहिए अपने बच्चों को एक बैग दें और उसमें हम कुछ सामान रखेंगे, जैसे बुक्स हो गया, नोटबुक हो गया, स्केच पेन हो गया। हेलो पेरेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। वी हैव न्यूरोडाइवर्स वीक दिस मंथ, सो इज अ गुड टाइम टू रिस्टार्ट वर्क अगेन। मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा। हम अपने बच्चों को, हमें चाहिए अपने बच्चों को एक बैग दें और उसमें हम कुछ सामान रखेंगे, जैसे बुक्स हो गया, नोटबुक हो गया, स्केच पेन हो गया, फिजेट्स हो गए, आपके सेंसरी टॉयज हो गए, हैंकी हो गया, वो सामान जो नॉर्मली एक बच्चा कैरी करता है और उसे ज़रूरत पड़ती है। और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि वो उन सामान को संभाल के रखेगा, कहीं पे भूलेगा नहीं, कहीं पे छोड़ेगा नहीं। और हम उसको इंस्ट्रक्ट करते रहेंगे कि आपका सारे सामान इंटैक्ट हैं, आपके पास में हैं, ऐसा तो नहीं कि आप कुछ सामान भूल गए। इसका एडवांटेज ये होगा कि बच्चे को एक तो बिलोंगिंगनेस आएगी कि ये सामान मेरा है, और सेकेंडली उसका ब्रेन, उसका माइंड फोकस रहेगा कि मुझे इन सामान का केयर करना है, इनको भूलना नहीं है क्योंकि ये मेरा सामान है। तो हम इसे इंगेज बैग कहेंगे, एक बैकपैक जैसा दे सकते हैं इन केस ऑफ बॉय, इन केस ऑफ गर्ल वी कैन गिव हर अ हैंड बैग। सो दिस इज अ गुड ट्रिक। इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं, हम कुछ ऐसे ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, बट ये बॉयज़ के केस में कर पाएंगे, गर्ल्स के केस में नहीं। जैसे पैंट है, नॉर्मली आजकल जो ड्रेसेस होते हैं, पैंट होता है, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं उसका वेस्ट। सो हम उसको थोड़ा सा लूज पहनाएंगे और इससे क्या होगा कि वो लूज रहेगा तो बच्चा उसे बार 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 उसे फिट करने की कोशिश करेगा और इसमें उसका माइंड फोकस रहेगा उस एक्टिविटी में और वो लॉस्ट नहीं होगा। इस वाला ट्रिक को हम हमेशा यूज़ नहीं कर सकते, वंस इन अ वाइल, कभी कभार, फॉर सम टाइम्स यूज कर सकते हैं, बट इट आल्सो हेल्प देम टू इंगेज। और आप अपने तरीके से और भी इस तरीके की चीज़ें यूज कर सकते हैं, ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास में कुछ हो तो आप मुझे शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में डालिए। इसके अलावा हमारा जो बेसिक आइडिया होता है वो ये होता है कि दो होता है, एक तो बच्चा लॉस्ट नहीं होना चाहिए। जब वो लॉस्ट होता है तब वो ब्रेन को यूज नहीं करता, उसकी अवेयरनेस सराउंडिंग्स के लिए ख़त्म हो जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो अवेयर रहे ऑल द टाइम और उसका माइंड फोकस रहे, ब्रेन को यूज करे। तो हम जब कहीं जाते हैं, कहीं पे टूर करते हैं, आउटिंग प्लान करते हैं, तो हम ये दो चीज़ कर सकते हैं और ये बहुत हेल्प करता है। ये बिलोंगिंगनेस को बढ़ाता है और बच्चे को फोकस करता है, वो अपने सामान के बारे में जानता है, उससे उसको ये भी आइडिया लगता है कि किसी टाइम पे कौन सा सामान यूज कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे, आई होप दिस ट्रिक विल हेल्प यू एंड यू यूज दिस ट्रिक टू engage your kid. Thank you. I would like you to subscribe my channel, Speech Girl Tips and Tricks. We are planning to launch a video series that we only produce the autism. Don't go in the literal meaning of this video, but it will help you to open your eyes. Thank you.